नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद टेक्निकॉलॉजी जिसरो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अस्वस्थ था जिस वजह से आप लोगों को लगभग दो हफ्ते तक मैं कोई भी वीडियो नहीं उपलब्ध करवा पाया, उसके लिए सॉरी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज के बारे में, तो दोस्तों यह जो न्यूज आ रही है वो सैमसंग की तरफ से आ रही है और सैमसंग अपने गैलेक्सी ए सीरीज के अंतर्गत एक न्यू लेटेस्ट मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है भारतीय मार्केट में, जो लगभग जनवरी या फरवरी के महीने में 2021 में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और इस स्मार्टफोन का नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A32 रखा है। यह A सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आप लोगों को 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और यह मेरे हिसाब से काफी सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आप लोगों को 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की कुछ पिक्चर्स और इसके कुछ डिटेल्स सामने आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसी सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A32 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ूं और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गैलेक्सी A32 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसकी जो जानकारियां सामने हैं, जो पिक्चर्स सामने आई हैं, उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे LED फ्लैश की सुविधा, बॉटम तल पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इसका जो कैमरा सेटअप है रियर साइड का वो काफी डिफरेंट होने वाला है। इसके अलावा इसके साइड पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। और अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिस डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो 89% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर मुझे काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगा जिस हिसाब से इसकी पिक्चर्स सामने आई हैं। उस आधार पर आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के इस डिजाइन के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इस सैमसंग गैलेक्सी A32 के डिस्प्ले के बारे में, तो जो जानकारियां सामने आई हैं उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की FHD+ इन्फिनिटी यू डिस्प्ले उपलब्ध करवाने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो वाली आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिस पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वैसे भी जो सैमसंग के स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर कंपनी अपना खुद का इन्फिनिटी डिस्प्ले उपलब्ध करवाती है, जो काफी अच्छा डिस्प्ले मुझे लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है सैमसंग स्मार्टफोन की खासकर डिस्प्ले, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों का खुद का एक्सिनोस का 880 प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर, जिसके साथ कंपनी आप लोगों को जीपीयू दे रही है मालिका G76। जो प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है, जिसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ डेली टास्क के अलावा इसमें आप गेमिंग का मजा ले पाएंगे। दोस्तों मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो जो जानकारियां सामने हैं उस आधार पर इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 जो बेस्ड है One UI 3 पर, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल में जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई है उस आधार पर 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और रैम वेरियंट के साथ यह स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसके रैम पर आप लोगों को LPDDR4X और जिसकी स्टोरेज पर आप लोगों को UFS 3.1 की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी यह स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है भारतीय मार्केट में, और इसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो जो रियर साइड के कैमरे हैं वो क्वाड कैमरे का सेटअप है, जहां पर आप लोगों को पहला 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ इसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कंपनी दे सकती है, जिनके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की भी सुविधा देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवाने वाली है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरमा, स्लो मोशन, ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से जो कैमरा सेटअप है वो ठीक ठाक ही रहने वाला है। अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000mAh की बैटरी देने वाली है, जिसमें आप लोगों को 30W फास्ट चार्जिंग तक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को USB Type-C देने वाली है। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो सैमसंग गैलेक्सी का A सीरीज होता है वहां पर कंपनी काफी पतले और एक अच्छे अट्रैक्टिव स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती है, जिनके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000mAh से ऊपर की बैटरी नहीं उपलब्ध करवा पाती है, क्योंकि फिर उसके डिजाइन पर फर्क पड़ता है और स्मार्टफोन काफी मोटा दिखने लगता है। इसके अलावा अन्य फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को 5G, डुअल 4G, Wi-Fi, GPS, ब्लूटूथ, FM रेडियो जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले, जिनके साथ आप लोगों को प्रॉक्सिमिटी
प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों अगर बात करें इस गैलेक्सी A32 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन जनवरी या फरवरी 2021 में भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है, या तो कहूं ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और इसकी कीमत भारतीय मार्केट में जो जानकारियां मुझे रूमर्स द्वारा प्राप्त हुई है उस आधार पर लगभग 15,000 से लेकर 18,000 रुपए के आसपास हो सकता है। और अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो यह काफी गजब का एक मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A32 को लेकर? जो भी हो दिल विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।